फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय राम जी की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आज कुछ शॉर्ट्स बनाती थी, तो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ शॉपिंग कर। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए मॉल में और ये आज हरे हरे हरियाली पे हरियाली और इधर पिलियारी और मैं सरसों बन के आई हूँ। और मोटी की मोटी नजर को नहीं, मैं मोटी लग रही मैं ये वाला हाथ से पकड़ती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा पतला आएगा। अच्छा ये तो चालाकी हो गई, किसी को मोटा देखो पतला। ये ऑडियंस मेरे को पतला देखना पसंद करती है। सही है ना? कौन कौन मुझे पतला देखना पसंद करता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, कौन कौन को पतली अच्छी लगती है और किसको मोटी अच्छी लगती है, और हमारी ये हरियाली किसको पसंद है वो भी बताना जरूर है। सो अभी हम पहुँच गए हैं इधर शॉपर स्टॉप की तरफ। इतने पर्स रखे हुए हैं, क्या करेगी? मैं सेल लगाने वाली हूं। ओ भाई इस लड़की को ना बैग ही नहीं, इतने बैग्स हैं लेकिन कमी है। लड़कियों में ये प्रॉब्लम है। कौन सा पसंद आया? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। इस साइड में देखना कुछ पसंद आया नहीं। 50% बड़ा। हमने भी डिसाइड किया है ये वाला सूट हमें अच्छा लगा, बट थोड़ा सा महंगा है। महंगा मतलब मेरे बजट से बाहर, मैं सोच के आई थी तो हमने डिसाइड किया दोनों ने। कोई नहीं मैं सोर्सिंग करके दूंगी, ऐसा हम बनवा लेंगे। ऐसा वाला मस्त वाला एक कपड़ा वपड़ा दिमाग में सोचो तो हमको आधी प्राइस में पड़ जाए, हमारा पैसा पूरे हो जाएंगे। तो लड़कियाँ ऐसे काम भी बहुत करती हैं। आप लोग सोचते हैं लड़कियाँ पैसे बर्बाद करती हैं? याशिका बसेरा कुछ ज़्यादा ही करती हैं ऐसे काम। आज तो बजट थोड़ा सा बजट लेके आई हूँ, बट मैं शॉपिंग करूँगी, क्या करूँगी वो मुझे पता है, पैसे लेके आई हूँ। ये बजट लेकर आई हूँ, पैसे फूटने का मेरा काम है। चेक करना। हाँ देखो मैंने क्या किया, ऐसे नहीं बताऊंगी, जाके घर देखो। अच्छा मैं चेक करती हूँ। कुछ तो इसने हंसी आएगी, कुछ तो वीडियो बनाई होगी। पागल बना, मैंने फोटो क्लिक किया। अच्छे अच्छे इधर से भी कुछ लेगी क्या? अभी देख रही हूँ यार, समझ में आएगा तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मतलब इंडियंस में कम पहनती हूँ, बट ऐसा कभी होता तो इधर इधर देख ले इधर। चल चल तेरा ब्लॉग बना देती हूँ, क्या तो भी याद करके। देखो भैया की स्माइल कितनी अच्छी है। भैया नहीं बोलने का। बस उन्होंने बोला नहीं कि भैया नहीं बोलने का, बाकी तो रिएक्शन सुन के उनके रिएक्शन तो अच्छे थे। भैया नहीं बोलने का, लिमिट में रहने का, ऐसा बोल तो मर के एक दूसरे जाती है। एक स्टोरी सुना रही है याशिका जी। आप लोग कहानी बताते हैं। मैं मुंबई में कहीं पे जा रही थी कैंप करके। तो उसमें क्या हुआ, एक घंटे का सफर था, तो उस बंदे जो कैंप वाला बंदा था उससे मेरी नॉर्मली बात बात हो रही थी। नॉर्मली जर्नलिस्ट गर्ल्स का कैसा होता है, सब भैया भैया ही बोलते हैं, भैया भैया बोल रहे थे। तो वो आधा घंटे के बाद में इतना पक गया कि उसने मेरे को बोला, मेरा नाम महेश है, आप मुझे महेश जी बोल सकते हैं। भाई तो आज फिर लेके जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए आजकल लोगों का भैया बोलते हैं, सोच समझ के बोलो। लड़कों को बड़ा प्रॉब्लम है, लड़कों नहीं बुजुर्गों को बहुत प्रॉब्लम है। बुजुर्गों का भी बुजुर्गों का ज्यादा है। अब एक स्लीपर लेने आई थी, हील मत उठा। प्राइस 41 दो लेकर आओ। नहीं मेरा 41 है। दोनों सेम साइज है, दोनों सेम है। हाँ दिखने में सुंदर है। हाँ स्मार्ट लग रही, मतलब हाइट भी कम है, दिखने में अच्छी भी है। सूट के साथ भी पहन सकते हैं, साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। ये वाला बोलता ना। हाँ पहली नजर में प्यार हो जाए तो मुझे प्यार इससे हो।
इसको सामान से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। ले ले जाएगा। हाँ तो वो डेवो डेली पहनते नहीं है। हाँ ये दिखने में ये बहुत अच्छा लगा। शॉपिंग का कारण क्या मैं करती थी, पर ये हरियाली ने क्या किया, इसकी शॉपिंग करनी थी मेरे को लेके चलनी, और मेरे को तब तक लगा। अभी तक मेरी शॉपिंग नहीं हुई पर मैडम ने शॉपिंग कर डाली। हम आ गए दूसरे वाले मॉल में, हमारी हरियाली की शॉपिंग अभी हुई नहीं है बेचारे की, तो इसके लिए तो मैं उस मॉल में गई थी, वहाँ इसकी शॉपिंग नहीं बट मेरी हो गई। और अब दूसरे मॉल में आ गए, जो इन्फिनिटी मॉल है उसमें आ गए हम लोग। अब देखते हैं मलार इन्फिनिटी मॉल उसमें आ गए। अरे अच्छी लग रही है, अपना सर क्यों काट रही है, देखना मैं हाँ लुक अच्छा लग रहा है, लाइट वाइट अच्छी है। अगली बार उसे मैं यही रील्स बनाऊंगी। तो मैं अपने आप को देखूँगी, अच्छी सबसे अच्छी लग रही है। तो देखते हैं यहाँ पे अपने को क्या मिलता क्या नहीं मिलता। आज इतना मतलब भीड़ भीड़ नहीं है, मतलब ऐसे ऑल बाकी डेज में रहती है ना बहुत भीड़ रहती है, तो आज उतनी भीड़ नहीं है। आपको दिखा दी बता हम यहाँ पे आए इसलिए एसी की हवा खाने के, हल्का बिल बजट नहीं बढ़ाना ना, बिल का इतना बिल आ जाएगा ना। सही बात है। हम आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल के अंदर। हम चलेंगे ऊपर, चलो वेस्ट साइड चलेंगे। आप कोई चप्पल नहीं लेगी, तू सैंडल ले लिया। मतलब वेबसाइट नीचे है ना। मेरे पापा को ब्लैक बिल्कुल पसंद है। आई लव ब्लैक, मुझे पसंद अच्छा लगता, पापा को बिल्कुल पसंद है ब्लैक। ब्लैक कोई नहीं, ये सूट पापा नहीं पहनेंगे। पापा को हम वेस्ट साइड, और अब मैं करूँगी अपनी शॉपिंग, और ये मैडम को बोलूँगी अपनी शॉपिंग कम करें। नहीं, तो नीचे चल, हाँ मेरे को देखने दे अभी, चल तू देख ले। यस ये भी अच्छी लग रही है ना, ब्राउन ब्लैक वाला। झाड़ू लगाने की जगह छोड़ देना, ट्रायल कर ले मीडियम, उसके साथ भी अच्छा जाएगा। हाँ सिंपल है, ये ले लो तुम, अच्छी लगेगी ना। हाँ लटकाती मस्त लग रहा है। फ्रेग्रेंस वाले तुम कैंडल लाइट डिनर कर, 95 की है, और अगर ये बनेगी तो मुश्किल से मेरे हिसाब से ये 30-40 रुपए डिब्बा होगा। हे माते, 200 रुपए काम है, 200 नहीं 100 रुपए काम है, 200 को 300 में 200 रुपए प्रॉफिट है। माते बिजनेस को समझो, तुम्हें बिजनेस वुमन बनना चाहिए। फिर मैं बनना चाहती हूं, मैं कब बनूंगी पहले, मैं फिल्म लाइन का काम कर लूं, बात करते ठीक है। वेल डन, गुड लक। अरे वो कहाँ लेकर जा, उसको दो, उनको पैक कर। बॉटम भी प्यारा लग रहा है। सॉरी
सो हम यहाँ ज़ारा के उसमें स्टोर में है अभी। इनको दो कपड़े और भी चेंज करने हैं। हमने शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई, ऑलमोस्ट नहीं हो चुकी है कंप्लीट, ऑलमोस्ट मत बोल। हाँ हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने ज़ारा का बहुत प्यारी से ड्रेस ली है, अभी घर जाके दिखाऊंगी आपको। और ये देखो बहुत प्यारी सी ड्रेस है, आई होप आपको भी पसंद आएगी। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे, और क्या शॉपिंग की आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले टांग को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मैं ऐसे काम करती हूँ, इधर से उधर कुछ भी रख देती हूँ। सो सबसे पहले मेरी फेवरेट चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। जो मैंने परचेज किया ज़ारा से, और ये मेरा टॉप है जो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा वाला लगा मुझे, तो इसको मैं लेके आ गई। और ये मेरा ट्राउजर है। ओके, मुझे थोड़ा सा यूनिक कपड़े पहनना पसंद है, मैं तो सोचती हूँ ट्राई कर लूँ, क्या पता मुझ पर कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। सो कभी भी होता है कि अच्छी आप जगह मीटिंग करने जाते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा लुक तैयार करना होता है, तो मैं नए नए लुक क्रिएट करती रहती हूँ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मुझ पर कौन सा अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने ये वाला पहना, एक ये लेके आई हूँ ट्राउज़र जो मुझे थोड़ा सा कम्फर्ट लुक दे। जैसे एयरपोर्ट जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे कपड़े मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा कम्फर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती अपने पहनने में, फिटिंग विटिंग ऐसा कोई इशू नहीं रहता। ये लेके वन पीस जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को बता दूं मैं कपड़े टाइट बहुत कम पहनती हूँ, मतलब थोड़ा फिटिंग हो बट ऐसा नहीं, बहुत से लोग इतने कसे वाले पहनते हैं वो मैं बहुत कम पहनती हूँ, कहीं ज़रूरी हो तो पहनती हूँ। सो एक ये लाई हूँ अपनी सैंडल बोलो स्लीपर जो आपको बोलना है बोलो, और मुझे 41 नंबर आता क्योंकि मेरी हाइट के साथ मेरे पैर बढ़े हैं, तो ये लेके मुझे बड़ी अच्छी लगी। और सैंडल्स का तो मेरे पास भंडार है, मतलब कपड़े हैं उस हिसाब से मेरे पास सैंडल्स हैं, बट सैंडल्स को 2-3 महीने से ऊपर नहीं पहनती, वो होता ना कि नंबर ही नहीं आता मेरी सैंडल्स का क्योंकि शूज़ पहन लेती हूँ। और कभी कभी एक दो जोड़ी आप कह सकते हो कि मेरे पास चप्पल ऐसी है, सैंडल्स आप बोल सकते हो कि मैं चप्पल ही बोलती हूँ। सो सैंडल ऐसी वाली है कि मुझे वो बहुत पसंद होती है, और मेरे दोस्त लोगों को मालूम है कि मैं वो हर जगह उन्हीं उन्हीं को पहनती हूँ, वो लोग खुद थक जाते कि यार क्यों ऐसा क्यों, बट पता नहीं आई डोंट नो मुझे कुछ पसंद आ गया मतलब उसके पीछे पड़ जाते हो, तो ऐसा होता है मेरे साथ चीज़ों के पीछे पड़ती। और एक ये लाई हूँ मैं सैंडल जो मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी, ये देखो ये मेकअप रिमूवर वेट टिश्यू जो आते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए, ये मेरा फेवरेट है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं करी बट ये मेरी कलर बार का मेरा फेवरेट है जो मैं हमेशा तो यूज़ करती हूँ। और ये है मेबलिन का लिप ग्लॉस जो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, उसने यूज़ कर रखा था अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा था। सो मैंने उससे कहा था कि ये बड़ा तुम पे अच्छा लग रहा है क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो उसने कहा था हाँ ट्राई करो, और मुझ पर भी वो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी क्यों ना ट्राई कर लेती हूँ। यार एक छोटी सी प्यारी सी लाइफ है, इसमें मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को हैप्पी रखने की, और मेरे कारण किसी दूसरे इंसान को हर्ट नहीं हो उस बात का मैं सबसे पहले ख्याल रखती हूँ। सो मुझे लगता है कि आपको जिसमें खुशी मिलती है वो काम करो, बट दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। सो मुझे इन सब में खुशी मिलती है, और मैं आज करके आ गई शॉपिंग, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि जब भी मेरा मन थोड़ा सा उदास होता है, मेरा मन नहीं लगता है, या मुझे कुछ लगता है कि चलो कुछ स्पेशल करते हैं, तो कुछ खाना बनाने लगती हूँ, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है तो मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, या फिर मैं शॉपिंग करने लग जाती हूँ। सो आज शॉपिंग करने निकल गई अपने दोस्त के साथ में, और बहुत बहुत मज़ा आया। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ढेर सारा प्यार दो अपने दोस्त को। की तरफ से जय राम जी की एंड बाय।